Hello, I'm Nian Sai Se, Hornbill TV. Moi Naomi Kikon. Country laga security mediator ya Indian Air Force kan India laga pride ekta ase. Kindu idu homoide force bra Jorhat station laga khilaf dainichor laga soldier ekta laga family bra kunba allegations agede ani ase. Anil Kumar laga family aro advocate Shivanand Misra bra aji Hornbill TV ge idu mamla obor exclusive information kunba janai dise. Idu channel ge Kumar laga family bra video ekta diade Anil Kumar ge lokpawule Air Force station laga bitore cha homoi soldier aro court official bra Kumar laga advocate ke tumgi dia kushe. Aro Air Force de constitutional rights na chulibo aro taikan prime minister hi goilebi eku kotha na hunibo koigina dihi paise aibi itu laga mamla laga opore palbra aro bi chanibo deep saiga logode हमारे देश भारत की सिक्योरिटी सिस्टम में जुड़े हुए एक बड़े संस्था है इंडियन एयरफोर्स और आज इंडियन एयरफोर्स के ऊपर में एक ऐसा एलिगेशन आया है जो एलिगेशन उठाया हरियाणा के विनोद कुमार जी बोल के व्यक्ति ने और वो एलिगेशन का बेस है उसके भाई जो 2008 से इंडियन एयरफोर्स में एज ए कैडर रहे थे उधर में लेकिन उसके भाई के ऊपर में एक एलिगेशन उन लोग को घर वालों ने लाया है कि उसका भाई का जो अभी जिम्मा है इंडियन एयरफोर्स जोरहाट लोकेटेड जो स्टेशन है उसमें इलीगल कस्टडी में उसको रखा है इलीगल वारंट देके उसको गिरफ्तार किया है और जो प्रोसीडिंग के लिए फाइंडिंग से कोर्ट मार्शल का जो फाइंडिंग्स होता है जो कागजात जरूरी होता है वो कागजात भी उन लोग के अपॉइंट किए हुए एडवोकेट को अभी देने के लिए नामंजूर कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। डायरेक्टली उसके भाई से पूछना चाहूँगा आपका भाई जो अनिल कुमार जो इंटरनेशनल बॉक्सर है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड से आया था इंडियन एयरफोर्स में अभी क्या एलिगेशन है जोरहाट एयरफोर्स के ऊपर में क्योंकि आप उससे मिल चुके हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर में अभी करेंट उसका सिचुएशन क्या है और आप लोग का क्या एलिगेशन है डिपार्टमेंट के ऊपर में। मेरे भाई को परसों से आज तीसरा दिन हो गया है उसको इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है और जब हम ये कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है तो हम वकील साहब ने एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारे को इसकी जो प्रोसीडिंग है उसकी कॉपी दी जाए भाई हमारे भाई को कि जो सज़ा दी है और जो भी हुआ है उसकी हमारे को कॉपी दी जाए तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया जिसको सुनवाई ना करके वकील साहब को भी मना कर दिया गया और फिर जब उसको रात को 9:30 के करीब जब उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे थे मैं ऑफिसर से बोला कि सर इसका कोई अरेस्ट वारंट या कुछ किस बिना पे आप इसको लेके जा रहे हो बोला नहीं एयरफोर्स में ऐसे ही चलता है हम आपको कुछ नहीं देंगे आप उधर से लो यहाँ से लो। उन्होंने हमारे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है और उसी के ऊपर हम इतने दिन से परेशान हैं। इससे पहले भी भाई को 2-3 दफ़ा जो कि डॉक्यूमेंट हैं इलीगल कस्टडी में रखा 3-4 दिन तक 5 दिन तक और वो एक एस एन सी ओ है जिसको कि आप कस्टडी में उसका अधिकार नहीं है अधिकार है कि भाई एक एस एन सी ओ को आप कस्टडी में नहीं रख सकते हैं पर यहाँ पर कोई अधिकार उसका जो उसके हैं उसका कहीं पे अनुसरण नहीं होया और एक स्पोर्ट्समैन को जेल में डाल के मतलब उसको साइकेट्रिक पेशेंट बना के और उसके साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं तो एक निवेदन करूँगा कि कोई इस चीज़ के ऊपर कोई इंटरफेयर करे और कोई चीज़ उसका उसको अन्याय मिले उसके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। उसका 13 साल का सर्विस हो गया है आज तक उस हमारे पास में उसका नंबर ऑफ टाइम इन्होंने P10 भरया 2-3-4 दफ़ा भी यहाँ पर कोर्ट में आए हैं जब हमारे को पता चला कि भाई इसका ऑलरेडी ये सीन है इस तरह से है पर हमारे को कोई डॉक्यूमेंट कभी भी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हम तो एक यहाँ पर आने के बाद में पता चला भाई इसका तो ये रिकॉर्ड है ये है अभी हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये हम लोग को हॉर्नबिल टीवी के थ्रो से उसके बड़े भाई ने जानने के लिए दिया है कि कब पहले से उस भाई का ये हालत का बात घर वालों को नहीं बोला था कोई नोटिस भेजा नहीं था और हम डिस्क्रिप्शन में जानने के लिए जो घटना अभी घटा उसके भाई के साथ जो एडवोकेट अपॉइंटेड है आनंद मिश्रा जी मेरे साथ अभी वो जुड़े हुए हैं। अभी जो ये अनिल कुमार जी के साथ जो हो रहा है आप उसका भी एडवोकेट हो एक्चुअली व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी जब आप गए थे दो वीडियो अभी हम लोग को मिला है एज एडवोकेट ऑफ हिम आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए मैं तो एडवोकेट हूँ उनका तो मैं सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात करूँगा और जो उस वीडियो से कंसर्न चीज़ें हैं उसके विषय में थोड़ा सा बता दूंगा। उस चीज़ से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अक्यूज का राइट होता है रूल 125 एयरफोर्स रूल्स 1969 में
तो इसकी जब फाइंडिंग्स कोर्ट ने रीड की तो मैंने जो है फाइंडिंग्स के लिए एक एप्लीकेशन तुरंत हाथ से लिखा और लिख के देने की कोशिश की, तो उन्होंने एप्लीकेशन के रिकॉर्ड पे नहीं लिया और कहा कि नहीं नहीं आप इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। फिर उसके बाद जब इसको कन्विक्शन हो गया, फिर इसको जब सेंटेंस सुना दिया गया, तो फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट किया हमने उनसे कि साहब आप बताइए कि हमें ये दे दीजिए। CNC को बताऊँगा कि हाउ आई वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द जज एडवोकेट। मैं ये रिटर्न में लेके कंसर्न ऑफिशियल को कंसल्ट करूंगा ओनली बिकॉज ऑफ आस्किंग दिस एप्लीकेशन टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट मार्शल, जिसके विषय में उन्होंने बताया है। उन्होंने विनोद सुमरा जी ने बताया है कि मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे रिसीव नहीं किया गया, रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। मैंने दो बार उनको एप्लीकेशन दिए हैं। ये वीडियो ये है कि जब इसको अरेस्ट करने के लिए आया, कोई वन पर्सन वॉज देयर विद द नेम मोहित, बट ही वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑफिसर। बहुत सारे लोगों के साथ आए और इसको अरेस्ट करने के लिए मैं आई वॉज द काउंसिल। तो मैंने कहा इनको, इन्होंने कहा था सर आप देखना लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो। मैंने कहा कि देर इज़ नो अरेस्ट वारंट, देर इज़ नो कमिटल वारंट, ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, बट द फाइंडिंग्स आर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड दैट फाइंडिंग्स आर नॉट अप्रूव्ड, देयर फोर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इवन द अरेस्ट वारंट और द कमिटल वारंट इज इशूड प्रायर टू टेकिंग अंडर अरेस्ट। इंडियन एयरफोर्स जैसे एक बड़े संस्था जो जिसके कारनामों के लिए हम लोग गर्व करते हैं, लेकिन अंदर में जो ये उसका जो सिस्टम है ये मतलब नाइंसाफी हो रहा है। ये जो ह्यूमन राइट्स है उसको भी उल्लंघन किया जा रहा है और उसका जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो एक आदमी गिरफ्तार होने से पहले उसको घर वाले को अरेस्ट वारंट में साइन कराना पड़ता है या तो इन्फॉर्म करना, कंप्लीट सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या है कि कानून में भी कुछ लैक्यूनास है जिसका वो बेनिफिट लेते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो ऑनरेबल पार्लियामेंट को कंसिडर करना चाहिए। मैं यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो विनोद सुमरानी जी ने बताया कि इलीगल कस्टडी पहले हुए हैं, तो वहाँ ऑनरेबल डी के बासु के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि किसी को अरेस्ट करेंगे तो ये गाइडलाइंस होगी। दे डिड नॉट फुलफिल द गाइडलाइंस। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अथॉरिटी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो देर विल बी ए कंटेम्प्ट बाय द केस अगेंस्ट देम। ठीक है, तो उसको तो इलीगल कस्टडी में करीब 2-3 बार पहले रखा जा चुका है। यहाँ इस केस की जहाँ तक बात है, आर्टिकल 21 सेज कि भाई किसी को भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए एंड जिस ऑर्डर के आधार पे हमको गिरफ्तार किया जा रहा है उस ऑर्डर की कॉपी हमको मिलनी चाहिए। बड़ी शिवानंद मिश्रा जी का ये जो हम लोग के हॉर्नबिल टीवी के थ्रो से आज देशवासियों को उसने जानकारी दी है, वो अभी एडवोकेट अपॉइंट किए है आनंद अनिल कुमार, उसके ऊपर में जो अभी एलिगेशन आए हैं तो उसका कंप्लीट जो सिस्टम है अभी उसके, वो जो पहले से स्पोर्ट्स ग्राउंड से इंडियन एयरफोर्स का एक एक्टिव कैडर थे, आप लोग को दिखाया जाएंगे ये वीडियो में, आप लोग देखिए। पब्लिक विल डिसाइड एक्चुअली हो क्या रहा है और मैं इस पूरे विस्तार से आज जानने के लिए आए थे शिवानंद मिश्रा के जी के पास, जो भी अभी एडवोकेट है उसके अनिल कुमार का, उसके वो घर वालों ने उसको अपॉइंट किया है लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स उधर से नहीं मिल रहा है और इसके लिए बहुत बड़े अफसोस से हम लोग बोल रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट के जिस संस्था के ऊपर में हम लोग गर्व करते हैं, एक्चुअल अंदर में एक कैडर को इनजस्टिस हो रहा है बोल के एलिगेशन आया है और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसके बाद में भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हैं हॉर्नबिल टीवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉर्नबिल टीवी। मैं हॉर्नबिल टीवी रिपोर्टर दीप सैकिया असम। आप जो करना चाहो कर लेना। नहीं नहीं आप बताइए। मैंने मुझे रोक के रखा है कि सर आप रुक जाओ, जो कानूनी लीगल फॉर्मेलिटीज है आप करते रहना, कोई वो हो जाए तभी ये जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप अरेस्ट वारंट मांगे होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, इनका कहना है कि अरेस्ट वारंट के साथ आप इनको हैंडओवर कर दो, उसकी एक रिसिप्ट ले लो इनसे और फिर इनको ले जाना। आप थे ना लीगल में, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं बता सकता, ना मैंने लॉ पढ़ा है, मैं तो अपना एयरपोर्ट का लॉ पढ़ा है। मैं आई एम ए ड्यूटी ऑफिसर, अभी मैं एसी की कमांड में। ड्यूटी ऑफिसर इसको जेल में किसी को उठा कर नहीं डाल सकता,
तो मुझे ऑर्डर्स दिए जाएंगे, मैं फौज से लूंगा या किसी बाहर से पीएम से भी नहीं लूंगा मैं। तो मुझे ऑर्डर्स दिए जाएंगे, मैं फौज से लूंगा या किसी बाहर से पीएम से भी नहीं लूंगा मैं। हां हां, पीएम को आप कुछ नहीं समझते मुझे। नहीं नहीं यार, मिश्रा जी लिसन ज्यादा वो मत जाओ मुझे, मेरे ऊपर मैं देखो किस काम से। सर आप बात करो, देखो मेरे हिसाब से मैं बात करूं, मैं आपको एडवाइस इतना कर सकता हूं। आपने एडवाइस कर दी सर, अरेस्ट वारंट आपका अधिकार है। अधिकार है, मैं वही कह रहा हूं, आई एम आउट ऑफ द पिक्चर। हां यस प्लीज, अधिकार ही से एयरपोर्ट में अधिकार नहीं चलते ना, मतलब। हां आपको कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाओगे पता मुझे? आप बताइए कहाँ जाओगे। आपके घर दे रहे थे मुझे, क्या करूँ, मेरे उठा के ले जाओगे आपको? कहाँ डायरेक्शन यू आर गिविंग टू कपल बला रहा? आपको पता भी है अरेस्ट वारंट इफ यू हैव। प्लीज टोन में बढ़ा के बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला, इनको ये बोला कि इनको जेल में लेके जाओ, ये बोला मैंने? मैंने बोला लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ? घर नहीं लेके जाना चाहते, ले जाने देना चाहते। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या बोला था, इनको लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ? आपने खुद ही मान लिया, लेके जाओगे?